दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। बता दें केजरीवाल ने 21 मार्च को ही गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वो पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका खारिज कर चुकी थी। कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड बताया था और चुनाव के समय हुई गिरफ्तारी को विरोधियों की साजिश का हिस्सा बताया। केजरीवाल की याचिका पर पिछले 3 अप्रैल सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया और सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयान PMLA के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए कि वो साजिश में शामिल थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए हैं, इस बात का शक करना कोर्ट और जज पर शक करने जैसा है। साथ ही कोर्ट ने कहा, किसी भी आदमी के लिए चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी और केजरीवाल चुनाव की तारीखों से वाकिफ रहेंगे। उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। जज और कोर्ट कानून से बंधे हैं। फैसला कानूनी सिद्धांतों पर दिए जाएंगे, ना कि राजनीतिक सुझावों पर। कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं देगी।